अराउंड 6 मंथ्स बैक आई स्विच टू अडोबी माउस. क्या है कीबोर्ड का है क्या है वर्ड क्या है कंस्ट्रेंट ये आता था कि मे बी शायद प्लेसमेंट में हमें उतनी प्रेफरेंस ना दी जाए क्योंकि वो होता भी है कहीं कॉलेजेस में. तब वो नहीं कर रहा जो पसंद है मुझे. मतलब मैं मे बी शायद 5 साल डाउन द लाइन ये नहीं कर पाऊंगा. एट मंथ एंड आपको सैलरी आ गया खुश हो गए पर पूरा मंथ आप नहीं खुश रहोगे राइट. प्रोजेक्ट्स आई थिंक आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मेंटरशिप एंड पीयर ग्रुप्स बोथ वेरी इंपॉर्टेंट. करेक्ट. जैसे मैंने पहले बोला कि कॉलेज में जाओ 1000 चीजें हैं. टू टॉक अबाउट दैट वन इंटरव्यू यू हैव टू टॉक अबाउट पिछले कितने सारे जो गए होंगे. जब तुम्हें रिजेक्शन आते थे यू आर लाइक यार छोड़ो. बट द थिंग इज आई रिमेंबर वन पर्टिकुलर रिजेक्शन एज वेल. सम कंपनीज डिड रीच आउट टू मी एंड आई वॉज लाइक ओके आई कैन ट्राई इट आउट द अपॉर्चुनिटी सीम्स गुड एंड अडोबी इज अ गुड नेम एज वेल. फ्रॉम ज़िवामे टू अडोबी इट वेंट 3x. Okay. So 300% हुआ. Got it. Yearly compensation went 300%. I know it might be difficult. It will be difficult for you. You might be in a batch ki दूसरे वाले को तो आता है आपको नहीं आता. तो don't be discouraged by that. Learn from that. Hi guys, I'm Nishant sir. Welcome back to the channel. So today we have Karthik Bajaj with us. He is currently working at Adobe as MTS2. ठीक है. एंड इनका जो पहले का बैकग्राउंड है एक नॉन टेक बैकग्राउंड से थे. इन्होंने बेन में डिलॉयट में काम किया हुआ है एंड देन ही स्विच्ड टू सॉफ्टवेयर साइड. And he's from Thapar. वहाँ पे he had electronics and communication. तो वहाँ पे भी CS का इतना नहीं था. College में CS ज़्यादा पढ़ी नहीं थी. But currently he's working at Adobe and that also MTS2. So काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे. Let's take a short introduction and फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं. Yeah, as he said, I'm from Thapar and I did my undergraduation completion in 2020 in electronics and communication. उसके बाद आई ज्वाइंड अरिस्टा एज अ प्रोफेशनल सर्विसेज इंटर्न. समथिंग दैट रिवॉल्व्स अराउंड नेटवर्किंग एंड मेकिंग डिजाइंस फॉर क्लाइंट्स एज वेल. उसके बाद आई डिड माय स्टिंट इन डेलॉइट फॉर 8 to 10 months समथिंग अराउंड. दैट वाज सपोर्टिंग द डेवलपर्स बेसिकली असाइनिंग द टास्क दैट आर कमिंग टू देम एंड मॉनिटरिंग एंड काइंड ऑफ डैशबोर्डिंग काइंड ऑफ थिंग. उसके बाद आई डिड प्योर मैनेजमेंट कंसल्टिंग रोल इन बेन एज एन एनालिस्ट. आई वॉज देयर फॉर एन ईयर और समथिंग. बेसिक योर PPT वर्क योर एक्सेल वर्क एनालिसिस मॉडलिंग फाइनेंशियल मॉडलिंग वो सारे टेक वो वाले सारे जार्गन एंड ऑल दैट स्टफ. उसके बाद आई थॉट ऑफ गिविंग माई हैंड इन टू ट्राइंग माई हैंड एट टेक्नोलॉजी एंड कोडिंग एंड डेवलपमेंट वॉट इज इट ऑल अबाउट. एंड आई डिड समथिंग ऑन माई ओन एज वेल थ्रू वेरियस चैनल्स एंड सम वेरी लिटल अराउंड दैट टाइम. उसके बाद आई स्विच टू अ टेक कंपनी प्योर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ज़िवामे इन बैंगलोर ओनली. देयर आई जॉइंड एज SD1 सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर इन बैक एंड मोस्टली. सो टेक स्टैक वॉज समथिंग अराउंड जावा. देन यू हैव योर AWS सर्विसेज MySQL एंड ऑल दैट स्टफ. उसके बाद अराउंड 6 months बैक आई स्विच टू अडोबी वेयर आई एम करेंटली. आई एम गोइंग टू कम्प्लीट माई 6 months वेरी सून नेक्स्ट वीक और समथिंग अराउंड दैट. So I'm currently doing good. I am happy there and as an MTS2, it's a very nice thing since in last 1 year I came from that. It takes 1 to 2 years for a person to do the kind of reach at that, climb that ladder right. Kind of thing. But it's been great and actually I'm loving it. And it's not easy to hear somebody say I look forward to going to offices on Monday, but I'm sorry, I'm that person. I do look to go to office. But yeah, it's if you love your job, so it's great, right? Something I found, so I'm very happy about that. Yeah. बढ़िया बढ़िया बढ़िया. So Karthik, अब आपने coding in general college के time पे ज़्यादा नहीं करी थी, as you told ना. तो कहाँ से था कि एक बारी tech भी try कर लेते हैं? कहाँ से आया वो? Is there was something कि मेरे को थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग में या फिर कोडिंग कहीं पे करी थी स्कूल टाइम में कंप्यूटर्स का क्रेज था. वेयर डिड दैट कम फ्रॉम? नहीं दैट्स ट्रू. स्कूल में भी हुआ करता था. 9th-10th में भी आई हैव एन ऑप्शनल सब्जेक्ट राइट. कुछ लोग तबला लेते हैं सितार एंड एवरीथिंग पेंटिंग एंड ऑल दैट. सो मैंने FIT लिया था. इट वॉज फाउंडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. दैट इज आई थिंक फर्स्ट टाइम कोडिंग वॉज इंट्रोड्यूस. उससे पहले कंप्यूटर्स था बट वही होता था माउस क्या है कीबोर्ड का है क्या है वर्ड क्या है. There it was first time we were introduced. वो भी coding नहीं HTML kind of thing. पहले HTML CSS आता because that's easy for a person to grasp. उसके बाद वो थोड़ा बहुत C++ अंदर थोड़ा डालना शुरू करते हैं. loops सिखाते हैं और if else सिखाते हैं. थोड़ा मतलब logic building आता है जैसे मैं बोला logic और problem solving. right. वहाँ वो आता है तो वहाँ अच्छा लगा थोड़ा. उसके बाद that's why I continued in 11th-12th also. 11th-12th में I took Java only. So I think it was called IT. FIT का IT हो गया. Foundation हो गई. अब IT करते हैं. तो there I joined Java में and it went well. Boards के marks भी ठीक थे. So I think it was certified कि ठीक चल रहा है.
But after that, I kind of lost touch because college mein, it was very, college mein you see lot of things going on. Koi kahan ja raha hai, koi tech ki baat kar raha hai, koi finance ki baat kar raha hai, koi MBA ki baat kar raha hai, koi kahan ki baat kar raha hai. So you have so many parts, but very little mentorship. Ki aap ek senior se poochoge. Upar se branch bhi. Branch bhi isi thi, correct. So pehla ek constraint ye aata tha ki maybe shayad placement mein hame utni preference na di jaye. Kyunki wo hota bhi hai kahin colleges mein, it's first CS. Then you have circuit branches, then उसके बाद दूसरी branches. So that's all. Company criteria में ही नहीं रखती कहीं बात कि हमें CS ही चाहिए और CS में भी हमें 9 CGPA चाहिए और इतनी इतनी सी 9 तो मेरी थी नहीं तो क्योंकि पहले 2 साल इतना पढ़ा नहीं तो उसके बाद कॉलेज में भी आई ट्राइड माई हैंड एट कोडिंग अ लिटल आई क्रिएटेड अ स्मॉल काइंड ऑफ कॉलेज के अंदर ही स्टार्टअप काइंड ऑफ जिसमें इट वॉज अकेडमिक्स फॉर पीपल एक छोटी सी वेबसाइट बनाई थी उस पर कि मतलब लोग जाके देख सकते हैं होमवर्क्स क्या हैं आपके असाइनमेंट्स क्या हैं सॉल्यूशंस एंड एवरीथिंग वैसे वैसे करके बट वही मतलब HTML CSS वो सब जो पहले सीखा था जो पहले से पहले सीखा था कुछ ऐसे एक्स्ट्रा चीज़ के ये नहीं कि बहुत बड़ा सा बैक एंड करके लिख दिया और उसके बाद उसकी फंडिंग रेस करा दी ऐसा कुछ नहीं हुआ बट एक दो साल वो करा एंड आई लाइक दैट दैट पार्ट वाज अ वेरी नाइस पार्ट ऑफ माय कॉलेज एज वेल इट कि काफ़ी द इम्पैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो अबाउट व्हाट यू डू राइट दैट वाज ऑल्सो ट्रिगर पॉइंट दैट व्हेन आई वाज सीइंग दिस टेक बूम आई वाज सीइंग स्टार्टअप्स जो असली में इम्पैक्ट ला रहे हैं आई केम बाय यूलू टुडे राइट सो दैट्स अ स्टार्टअप राइट इट्स इम्पैक्टिंग डे टू डे लाइफ राइट You have Sloda, you have so many different kind of companies that you are seeing startups, you are seeing the impact of, correct? Right. So, I can also try my hand at creating a product or creating something right. or a part of something that might help that, you know, one day. So, I thought, ye problem solve karke dekhna. Try karke dekhna. Got it. So, jab aap management consultant wale role pe the, ya Deloitte mein bhi the, to wahan pe, matlab interest itna zyada nahi aa raha tha. That's why you started ki chalo. Haan, matlab, it was always ki, I might not be doing मैं वो नहीं कर रहा हूँ जो पसंद है मुझे मतलब मैं मे बी शायद 5 साल डाउन द लाइन ये नहीं कर पाऊंगा एंड दैट्स लाइक ओके एट मंथ एंड आपको सैलरी आगे खुश हो गए पर पूरा मंथ आप नहीं खुश रहोगे राइट सो यू कांट सैक्रीफाइस 29 डेज फॉर जस्ट दैट वन डे सो मे बी इफ आई अर्न सेम लेस और समथिंग बट मैं जो कर रहा हूँ मैं अच्छा लगे थोड़ा खुशी मिले तो अच्छा लगेगा एंड ये सही है कि इफ यू डोंट लाइक योर वर्क तो अर्ली स्विच करना ज्यादा आसान रहता है like rather than ki tum 5 saal baad try kar becomes more difficult or difficult ho jata because then you have experience and if you aap start karoge from zero in another career right. after 5 years right so wahan pe aapko zero level se one level se start karna padega where on the other hand you are at some exactly right now. Yeah. So, fir jo salary hogi ya fir jo experience hoga wo sab bhi exactly kafi kam imagine you are working at something and a college person just joined and he's working right beside you right and plus 5 years down the line aapko unlearning bahut zyada karni padti hai jo cheeze seekhi jo cheeze seekhe sab bhul jao kyunki ek cheez nahi use hone wali hai wahan pe bilkul so jaise aapne bataya abhi aapne projects wagera bhi kare ek ye jo website type ki banayi thi so what do you think about in projects in general ki kitne zyada important hote hain when you are learning a technology when you are learning something new no projects I think are very very important it's more important than let's say your coding rounds and everything because projects have real life impact and projects teach you about all aspects sare aspects ke bare mein coding mein you write one program it works 10 test case pass ho gaye you are happy correct what about the practical scenarios right you are making a website example aap ek website bana rahe ho bahut achi chal rahi hai ek mahine baad traffic badh gaya you have to change adapt ठीक है चेंज करो कुछ थोड़ा बैकएंड में चेंज लाओ कुछ स्केलिंग करो या कुछ भी करो तो प्रोजेक्ट्स कवर अ होलसम एस्पेक्ट बैकएंड फ्रंटएंड इंफ्रा डेवऑप्स सब कवर करता है कोडिंग में एक पार्ट रहता है राइट तो थोड़ा होलिस्टिक डेवलपमेंट जैसे होता है ना कॉलेज में बोलते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट कोर्सेज होने चाहिए एक ये एक होलिस्टिक डेवलपमेंट काइंड ऑफ थिंग है तो आई थिंक प्रोजेक्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड नॉट ओनली लेट्स से अगर आप बैकएंड में हो तो आप उसमें आपका फ्रंट एंड में भी थोड़ा हाथ आ जाता है कि अच्छा ये होता है ये मुझे इसका ध्यान रखना है थोड़ा बहुत पता चलता है AWS क्या है ये क्या है वो क्या है ऐसे तो नहीं आप लैपटॉप खोल के होस्ट कर दोगे 24 घंटा चला दोगे कहाँ करोगे होस्ट क्या नेम होगा होस्टिंग कैसे सब मतलब सब पता चल जाता है सो कार्तिक आपने लाइक व्हाट डू यू थिंक अबाउट मेंटरशिप इन जनरल कि डू यू नीड अ मेंटर इन योर लाइफ जो तुम्हें हेल्प कर पाए चीज़ों के लिए जो तुम्हें बता पाए क्योंकि कई बार होता है जो तुम्हारे पीयर्स होते हैं उनके पास तुम्हारे जितने एक्सपीरियंस है वो तुम्हारे साथ चीज़ें सीख ही रहे हैं तो जनरली हम अपने दोस्तों के पास ही जाते हैं कि यार मेरे को अभी आ नहीं रहा है अब मैं जैसे आपके पास साथ भी हुआ हुआ है फील कि जब ये स्विच कर रहे हो करियर तो आपने किसी से तो बात करी होगी किसी से तो पूछा होगा कि यार इज इट द राइट थिंग टू डू और नॉट तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट मेंटरशिप नहीं मेंटरशिप एंड पीयर ग्रुप्स बोथ वेरी इंपॉर्टेंट करेक्ट जैसे मैंने पहले बोला कि कॉलेज में जाओ 1000 चीज़ें
पर मेंटर नहीं होगा तो आपको कौन सा पता, आपको कौन सी एक चीज़ पकड़नी है उन हज़ारों में से, करेक्ट। एंड पीयर ग्रुप भी यही, मैंने मतलब जब साइंस भी ली थी तो मैंने पीयर ग्रुप देखे करी, आई थिंक बहुत लोग देखे अच्छा मेरा दोस्त चल रहा है हम भी चल लेते हैं, ठीक है क्या हो जाएगा, साथ चलेंगे, अगर साथ पास होंगे साथ फेल होंगे वो वाली चीज़ देन। बट मेंटरशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू गेट अ डायरेक्शन, यू गेट अ डायरेक्शन आउट ऑफ ऑल द वेव, ऑल द ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज, एक डायरेक्शन होनी चाहिए एंड अ मेंटर हु अंडरस्टैंड एंड हु हैज बीन इन योर शूज, इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग टू हैव। गॉट इट। सो ऐसे ही जब हुआ था जब आई वॉज इन बेन, आई केम अक्रॉस क्रायो। सो क्रायो में इट वॉज द टैगलाइन वॉज लर्न बाय डूइंग, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, लर्न बाय डूइंग, सो दैट एम्फसाइज इन प्रोजेक्ट्स, करेक्ट। एंड आई जॉइन वन वीक का उनका जो ट्रायल होता है एंड द बेस्ट पार्ट वॉज वन वीक में वो क्लास नहीं थी, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वन वीक में क्या होता है, क्लास दिखा देते हैं कि अच्छा यू विल लर्न फॉर लूप, यू लर्न दिस, यू लर्न दैट, उसमें था यू हैव मिनी प्रोजेक्ट्स या एक प्रोजेक्ट्स का एक पर्टिकुलर एक छोटा सा पार्ट दे दिया जिसमें यू गेट एक्सपोजर टू समथिंग मे बी यू हैव नॉट सीन बिफोर, राइट। तो दैट इज समथिंग इंट्रीगिंग एज वेल कि अच्छा ये भी होता है, हमने तो सिर्फ जावा में एक फंक्शन लिखा था उसमें पास हो गया था, ये भी देखना होता है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अच्छा ये पता चला, दैट इज समथिंग न्यू, राइट। तो उसी से आई थॉट ओके दिस माइट बी समथिंग वर्थ ट्राइंग एंड आई गॉट इन कॉल विद श्रीधर ऑल्सो व्हेन ही वॉज एक्सप्लेनिंग कि वॉट आर द डिफरेंट कोर्सेज एंड वॉट ऑल इज देयर, सो ही एक्सप्लेन्ड आउट बैक एंड डेवलपमेंट क्या होता है, ओके दिस साउंड्स इंटरेस्टिंग एंड अ लिटल इट वॉज रिस्की एज वेल बिकॉज दैट टाइम आई वॉज इन मैनेजमेंट कंसल्टिंग, सो बट आई थॉट ओके इट लुक्स गुड, द पीपल ऑल्सो नो वॉट दे आर डूइंग एंड दे विल डेफिनेटली हेल्प मी आउट एंड दे डिड, आई एम हेयर विद यू, सो दैट्स अ वेरी बिग प्रूफ, सो दैट वॉज नाइस एंड दैट्स आई केम अबाउट क्रायो एंड 8 months डाउन द लाइन आई मेड द सक्सेसफुल स्विच काइंड ऑफ थिंग। सो जो फर्स्ट स्विच था फ्रॉम बेन टू जिवामे उसके बारे में थोड़ा बताओ कि लाइक हाउ वाज योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस एक्चुअली, जब कोर्स वोर्स तो सब किया, प्रोजेक्ट्स बनाए एंड एक्चुअली जब वो इंटरव्यू में बैठे, सो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? ओ टू टॉक अबाउट दैट वन इंटरव्यू यू हैव टू टॉक अबाउट पिछले कितने सारे जो गए होंगे, करेक्ट, बिकॉज जिवामे वॉज नॉट द फर्स्ट एंड प्रॉब्ली नॉट द लास्ट एज वेल, राइट। एंड दैट टाइम आई वॉज वर्किंग फुल टाइम ऑल्सो, सो इट्स यू हैव टू कीप अ बैलेंस, आपको ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे आर्स कम कर सकते हो, यू हैव टू गिव योर मैक्स फेयर, यू हैव टू गिव मैक्स फेयर एज वेल। सो आई एंड शाउट आउट टू द प्लेसमेंट टीचर एज वेल बिकॉज उन्होंने इतनी अपॉर्चुनिटीज लाए हमारे लिए एंड यू कुड गिव इट नॉट लाइक कॉलेज, एक दिया बस That's it. College, most people, most colleges have that dream, super dream wala concept, right. correct? So it was not that. I went through one company, I cleared that, went to another, maybe didn't clear that, kar karke. I went to Zivame and even the, I remember the person from the team also said that it's a great opportunity and there is a person of Cry already there. So, ek aur, you have a person to talk to ki kya, aapka experience kaisa tha, aap zara aap batao. So he told it's great and he was an SD2 there. Okay. So I was joining as SD1. He had experience previously. So he said it's great. I was like, okay, let's give it a try then. Because I've cleared it. And they were very, the placement team also helped a lot because first round to second round to third round, kafi beech-beech mein gaps raha. So they keep on persuading the people there as well, right? Okay, complete the process. He's waiting or something like that. So it also kind of tells ki unhone kitna effort dala, right. Hamare maybe hamare se zyada hai, hamare jitna hamare se zyada hi, right, obviously, right. Because it's difficult to keep on conducting for a big batch. It's not like I'm only doing, they're doing for many people, right. And selectively they know kiski kya strength hai, kiski kya preferences hai. So it helped there as well. And इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में अगर बताऊँ तो फर्स्ट वॉज एज ऑलवेज अ कोडिंग राउंड, यू हैव सम एमसीक्यूज, आई थिंक इट वॉज ऑन मेटल प्लेटफॉर्म, तो कुछ एमसीक्यूज थे एंड कोडिंग इंटरव्यू, दैट फर्स्ट वॉज विद अ सॉफ्टवेयर डेवलपर ओवर देयर एज वेल, जो प्रॉपर DS, जावा एंड वट एवर यू हैव दैट, एंड सिंस आई वॉज नॉन एक्सपीरियंस तो प्रोजेक्ट्स ओनली वर टॉक्ड अबाउट जो क्रायो मैंने करे थे, क्रायो ऑल्सो हैड अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स, राइट। आई रिमेंबर क्यू मनी, क्यू ईट्स, बेसिकली एक ट्रेडिंग ऐप, एक जोमैटो काइंड ऑफ ऐप और समथिंग, food ordering app, then some weather apps as well. So they talked about that projects as well in the managerial round and what your preferences are, kya chahiye, and got it. Then last mein HR got cleared. Got it. So you had a lot of rejections as you said, yes. Before getting into Zivame. So wo kaise face kiye? Because generally kya hota hai ki जब तुम्हें रिजेक्शन आते थे, यू आर लाइक यार छोड़ो, क्योंकि आप ऑलरेडी एक जॉब में थे, यू आर अर्निंग, ऐसा नहीं था कि मेरे पास कभी कोई जॉब नहीं है, मेरे को कोई एक जल्दी से जॉब चाहिए, यू आर जस्ट स्विचिंग योर रोल, एंड एज यू टोल्ड मी कि यू आर ऑल्सो गेटिंग प्रमोटेड एट दैट रोल, तो वो कैसे हैंडल किया? सी रिजेक्शंस
वही क्लीशे लाइन रिजेक्शन पार्ट ऑफ लाइफ वाली चीज काइंड ऑफ थिंग बट द थिंग इज आई रिमेंबर वन पर्टिकुलर रिजेक्शन एज वेल एंड दैट एक्चुअली टॉट मी दैट ओके इवन इन बैकेंड डेवलपमेंट देर आर लॉट ऑफ ट्रैक्स दैट जॉब आई गॉट आई डिडंट क्लियर वॉज दे वर फॉर सी प्लस प्लस एंड आई थॉट व्हाई एम आई ट्राइंग फॉर दैट राइट फर्स्ट सो यू नीड टू अंडरस्टैंड यू हैव टू हैव अ स्ट्रेट लाइन ओके मुझे बैक एंड में भी मुझे लेट्स से जावा में जाना है या किसी का कंपनी का ऑलरेडी एक सेट होता है कि दे वर्क इन दिस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क दे हैव पर्टिकुलर सो फिक्स दैट राइट लेट्स से अगर जावा है तो यू आर डूइंग जावा तो गो फॉर जावा व्हाई आर यू गोइंग फॉर अदर थिंग लाइक सी प्लस डू समथिंग लाइक आई डिड दैट रॉन्ग आई एक्सेप्ट दैट एंड आफ्टर दैट आई डिडंट गिव एनी दैट सी प्लस प्लस वेरी काइंड ऑफ बट there are opportunities where they perfectly line up with you but you know stars aren't aligned or something like that it might be a question jo aapne chhod diya ho ya fir aap us samay nahi soch paye ho ekdam aaj soch are yaar ye to itna aasan tha aur kahin strike karte kai bari kai bar aap interview mein baithe ho aur pichle mein bhi to yahi pucha tha ab main kar ke aa raha hu ye so wo wala factor bhi ek bahut aata hai but it's it only comes with practice is very important correct you like teachers are mentors are also putting in their hours you have to also put yours it's not like it's not a college ek ghanta class like go back chill exam ke time padh rahe waisa nahi hai you have to be consistent go through the websites jo bhi lead code or मतलब खुद प्रैक्टिस करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इफ यू डोंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन योर ओन तो फिर कोई तुम्हें ऐसे हाथ पकड़ के नहीं करा सकता यू मे बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम बट उसको अगर आपको वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट नहीं पता हाउ विल यू पुट इट इन कोड राइट यू मे बी एबल टू सॉल्व ओके ये इस लॉजिक से होगा ओके मैं कौन सा डेटा सेट यूज करूं राइट आई डोंट नो वो सब प्रैक्टिस आई डोंट नो व्हाट इज द वर्स्ट केस सिनेरियो व्हाट इज बेस्ट केस बिकॉज़ फिर इंटरव्यू में बी दे पुश यू ओके यू हैव एन आंसर improve it make it from on square to o1 or on square to on or something right, like that right. optimize karte raho that is also what is in job right. it keeps on optimizing that's why technology also evolves warna ban ke chhod bhi sakte the but it keeps on evolving right. right so next question is ki adobe mein kaise switch hua matlab ye sabke dimag mein hoga doubt matlab and generally yahi hota hai ki if you are switching from non tech to tech role ya fir non cs to tech role to first company shayad tumhe wo mnc na mile ki jo tumhe chahiye ho but after like 1 year some experience you can switch to whatever company you want like live example hai so how did that happen So I was in Zivame for 6 months. No, I didn't plan on switching. Honestly, nobody plans on doing their fifth switch in less than 3 years. Even when I tell somebody ki I'm in this company, this is my fifth company in 3 years. Okay, 3 years, three. So the number of experience years are less than the company. So thoda question hota tha, and it's not good also. Right, I won't suggest it as well. But the thing is ki that time some companies did reach out to me and I was like okay I can try it out the opportunity seems good and Adobe is a good name right. as well right it's a very nice name and so back to square one start practicing again start doing the basics again now you have projects now you have live projects that you have done in the and company experience also mm-hmm. correct you have 6 months experience that is a lot in a startup right. in startup you do a lot of things and you get to know a lot things, of areas things are so fast things are very fast red tape thoda kam hota hai mm-hmm. so things are nice and from there I interviewed with Adobe mm-hmm. all the process ended in a day because this was the time then when everything was going okay let's slow down some hiring or something like that but even then there were companies that came up there were 2-3 more companies that were looking out and but when I cleared Adobe I was like okay it's a good company I would like to stop here and I like to join you as well Got and it. uske baad again matlab as I said I prepared brushed up on my resume reread the resume from starting because now you have to remove the internship resume also evolves with you and yeah correct there also to be honest there also I talked about all the projects that I've done from starting because they are interested in right. what they also work on so right. they also worked on AWS here also we worked on AWS they also worked on Red Hat that all jargon and all Same. that so that helps a lot and I think it was part luck and again you have to practice and right, all that right and I was able to clear that and I joined Adobe in November got it ek aur important question jo sabke mind mein ho gaya ki how much hype did you get when you were switching from like Bain to Zivame and then to Adobe to wo okay so Bain to Zivame since I was going from a base role to a base role but I still got a pretty good 50-60% hype correct mm-hmm. because if you compare the salaries of tech sector and non tech sector to tech mein tech ki zyada hoti hai right So that is what happened. When I switched from Zivame to Adobe, it went 3x.
ओके सो 300% हुआ गॉट इट ईयरली कंपनसेशन वेंट 300% ठीक है राइट कैलकुलेट तुम कर सकते हो आप बिकॉज़ जो कंसल्टेंट की मतलब सैलरी होती है दैट्स फ्रॉम 6 टू 9 मतलब ये रेंज होती है बाकी यू हैव कैलकुलेटर्स यू कैन डू द मैथ एंड यार दैट्स ग्रेट यार काफी सही है फ्रॉम लाइक फर्स्ट कंपनी टू सेकंड इज 300% तो काफी फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट तो इट फिर भी बहुत ज्यादा हो जाता है राइट बट from like first SD1 to MTS2 maybe it's a lot and it includes stocks plus yes I am talking about yearly compensation that's why I mentioned yearly compensation because wo bhi ek bahut bada topic hota hai ki acha in hand to itna hi aayega jo marzi ho jaye that's why I'm talking about the yearly compensation is fully that great ab last question hai for people who are currently in a non tech role or from non cs background jinko actually switch karna hai to what tips will be from you बिकॉज यू हैव गॉन बोथ द पाथ्स तुमने आपने मतलब कॉलेज के टाइम भी सी एस नहीं पढ़ी हुई थी बाद में जॉब के टाइम भी सी एस नहीं पढ़ी हुई थी एंड देन यू स्विच टू अडोबी फाइनली तो लाइक 2-3 टिप्स विच यू हैव ओके द फर्स्ट वन विल बी कीप प्रैक्टिसिंग ऑनेस्टली आई नो इट माइट बी डिफिकल्ट इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू यू माइट बी इन अ बैच की दूसरे वाले को तो आता है आपको नहीं आता तो डोंट बी डिस्करेज बाय दैट लर्न फ्रॉम दैट राइट यू कैन बी द अदर अराउंड ऑल्सो ना मुझे आता है उसे नहीं आता है राइट so take them with you it's a badge it's not like internal competition is healthy right. but it's not like ki mereko hi milna chahiye right so learn from your peer group as well learn from your mentors listen to them wo usi company mein hai the people who were in cryo who were teaching they were already in companies like walmart or some place else right so they know what they are doing and they know what they are going to teach something that will be used right that's the first thing second is if you know you want to switch to a tech career do it as soon as you can it might become difficult for you down the line right. it might be risky I agree it is you have a good job why take the risk kyun risk lena kyun wo na kyun jana wahan pe but if you are adamant ki ha this will be better for me then go for it listen to your heart or listen to your gut and go for it and the third one is if you need mentorship ask for it don't only rely ki something might come to me samne se koi aayega unless you ask Nobody is going to know what you want. मतलब if you don't ask, the other person won't know कि exactly, exactly. It's like मुझे अगर नहीं पता होता तो मैं किसी से पूछूंगा एंड मैंने पूछा कि ओके व्हाट इज इट ऑल अबाउट कौन क्या होता है थोड़ा बताओ उसके बारे में एंड द टीचर द मेंटर्स हैव हेल्प्ड मी राइट यू माइट हैव अ मेंटर एट होम यू माइट हैव अ मेंटर इन कॉलेज इट्स गुड आस्क देम राइट दे ऑल्सो हैव देयर लाइव्स दे वोंट टेक आउट अलग से कि तुम क्या कर रहे हो बट इफ यू रीच आउट दे विल हेल्प यू आउट Great. Thank you so much, Karthik. काफी अच्छा लगा आपसे बात करके. काफी different perspective altogether we got to know. Now you can try and the link will be in the description. Thank you so much for watching this video. I hope तुम्हें पसंद आई होगी. And like जरूर कर देना. मिलते हैं next video में. तब तक के लिए. Bye.